गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं। ये मैंने कल रात को ही मूंग दाल 1 कप एंड 1/4 कप जो इडली राइस है या फिर नॉर्मल राइस भी जो भी आपके पास है घर पे, 1 कप ग्रीन मूंग दाल एंड 1/4 कप यहाँ पे उसी कप में चावल को भिगो के पूरी रात मैंने रख दिया था। एंड सुबह उसमें मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च एंड यहाँ पे इतनी अदरक, 1 चम्मच यहाँ पे मैं जीरा ऐड करूँगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता, यहाँ पे 1 कड़ी पत्ता का जो आता है ना पूरा, वो सारे पत्ते इसमें 8-10 पत्ते ऐड कर लीजिए। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा, उससे टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको आपको क्या करना है ना, एक फाइन पेस्ट बना लेना है एंड इसको बैटर को रखने की या फिर बाद में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग ऐसे इंस्टेंट बना सकते हैं। बस आपको इसको भिगो के रखना है, कितना 6-7 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। फिर इसको क्या करना है, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक या फिर जितना चाहिए उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है एंड इसको 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं, उसके बाद यहाँ पर बनाऊँगी। इसके साथ आप कोई भी चटनी बना सकते हो, मैंने बादाम की चटनी बनाई है एंड बादाम की चटनी बहुत बार शेयर कर लिया रेसिपी, तो रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी क्रिस्पी होगा ये वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा डोसा क्रिस्पी नहीं हो पाता, पर देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी होगा। बैटर बहुत पतला सा लेयर इसमें डालिए, उसके बाद बस तेल छिड़क दीजिए चारों तरफ थोड़ा सा एंड उसके बाद यहाँ पे एक ही दोनों साइड पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। एंड आई एम सो सॉरी, माही बहुत आवाज़ कर रही है तो वॉइस ओवर में आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे मैंने बादाम की चटनी बनाई है, प्याज की चटनी भी मैंने अपने पहले पहले व्लॉग्स में शेयर किया है आपके साथ। तो आपके हिसाब से आपको जो चटनी अच्छा लगता है आप करिए, खाइए, या फिर सिर्फ अचार के साथ भी अगर आप खाना चाहते हैं ना तो भी वो आपको टेस्टी लगेगा एंड काफ़ी हेल्दी है ये वाला। एंड देखिए इसका साउंड मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग मैंने कमेंट किए थे कि उनका डोसा जो बनाते हैं वो लोग, तो वो क्या ना क्रिस्पी नहीं होता है। तो वो ये वाला देखो, जैसे मूंग दाल वाला डोसा मैंने बनाया, कितना क्रिस्पी आपको लगेगा देखा, बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले हमारी प्रिंसेस बेबी को नहा लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं उसके साथ उसके लिहाज उसको मैं हल्दी लगा रही थी यहाँ पे। कभी हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, हर दिन वो मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। तो अगर हर दिन आपके बच्चे को अगर आप ऐसे लगा के नहाते हो तो वो और भी अच्छा है। हल्दी, ये जो बेसन चावल का आटा, एंड मैंने एक बार शेयर भी किया था ना कि मैं से मूंग दाल मसूर दाल ये सबको मैं से कैसे पीस के रखती हूँ एक डिब्बे में। तो रेडी हो गई माई का दिखा। माई बोलती मामा मैं इस ड्रेस में बिल्ली की तरह तो नहीं लग रही। माई किसकी तरह? देखो क्या कर दिया है। मैं तो कहा वाले देखा जाऊ पापा, हाँ लेडी बग, यू आर लुकिंग लाइक लेडी बग। ओके यू आर हंगरी नाउ? ओके नो। अभी हो रहा है टाइम 11 एंड मैं लंच बनाने से पहले आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके, सारा घर का काम फिनिश करके। तो मुझे ना एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि आपने क्या वेट लूज किया है, या फिर आपने अपने डिलीवरी के बाद कैसा वेट लॉस किया, या फिर आपका स्टमक इतना क्यों नहीं निकला है। तो अभी थोड़ा सा निकल गया है लॉकडाउन के चलते, बट मेरा स्टमक जितना डिलीवरी के बाद होता है ना, सीजर इन के बाद स्पेशली, उतना नहीं निकला है मेरा, ये तो है। लेकिन खाते पीते अभी लॉकडाउन में थोड़ा आ गया है बाहर, पर वो कम हो जाएगा ऐसा नहीं। जो डिलीवरी के बाद या फिर जो एकदम से पेट लूज हो जाता है, स्किन लूज हो जाता है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है अगर आपने प्रॉपर केयर स्टार्टिंग से नहीं किया है। तो मैं ज़्यादा इतना डिटेल्स तो आज आपके साथ शेयर, मतलब उतना ज़्यादा नहीं बताऊँगी, तो छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी, कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, या फिर आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे मम्मियाँ मुझे पूछते हैं कि आपका पेट क्यों नहीं निकला है, तो देखो जब डिलीवरी हो जाते हैं हम लोगों का तो हमारा पेट इतना बड़ा होता है एंड वो सिकुड़ के इतना सा हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके चलते क्या होता है ना, हमारा जो पेट का जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है वहाँ पे। तो अगर उस वक्त हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में आप चाहो तो बेल्ट, आप अगले दिन से क्या उसी दिन से आप बेल्ट टाइट, एकदम टाइट करके आपको यहाँ पे बांध लेना है। आपका अगर ये पेट है ना, अगर ये आपका पेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई बेल्ट नहीं है तो ऐसा एक दुपट्टा लेके इसको आप ऐसे टाइट में यहाँ पे ऐसे बांध सकते हो अपने पेट को, ऐसे पेट को अंदर अंदर की तरफ खींच के आपको ऐसे टाइट से बांध देना है। अगर आपके पास
हाँ अगर आपके पास बेल्ट है तो ठीक है, लेकिन सीजरिन में आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता है सीजरिन अगर होता है तो। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टिचेस होते हैं वहाँ पे, तो आप लोग क्या ना बेल्ट वहाँ पे बांध नहीं सकते, आपको पेन होगा। जैसे मेरा सीजरिन हुआ था तो मैं एक महीने के बाद मैंने बेल्ट बांध के रखा हुआ था, उससे पहले मैंने बांधा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर से आपको एक बार पूछना होगा, उसके बाद अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप बांध सकते हो। एक महीने के अंदर भी किसी किसी को बोल देते हैं, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है ना, किसी का जल्दी काम ठीक हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट लगता है हील होने के लिए, तो बेल्ट बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद अगर किसी का भी डिलीवरी हो रहा है तो आप लोग, अभी ये मैं स्टार्टिंग की प्रोसेस बता रही हूँ आपको, मैंने क्या किया था उड़ीसा में, मेरा डिलीवरी तो वहां पे हुआ था, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मम्मी के घर पे जब हुआ था ना, तो वहां पे ना जैसे कोयला होता है ना, कोयला का जो ऐसा बोलते ना सेकते हैं, जो अगर किसी का कुछ पेन होता है कहीं पे, तो वो वहां पे ना मेरे को बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर मुझे नहीं पता, ऐसे कोयले का जो निकलता है गरम, उसका उससे ऐसे कपड़े में करके ना वो गरम को कमर में, पेट में एंड बाकी चारों तरफ ना हमारे हिप्स में पूरा वहां पे सेका जाता है, ताकि आपकी बॉडी एकदम से टोन रहे, आपकी मसल्स टोन रहे। आई डोंट नो वो लोग फॉलो करते हैं, मे बी वो मेरे लिए थोड़ा सा काम हुआ होगा, उसका उतना ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मेरे साथ उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट मेरे मम्मी ने ऐसे करवाया था। तो वो एक है खाने पीने के लिए, तब मैंने अपना पूरा डाइट मैं फॉलो करती थी, डाइट मतलब कि जो खाना होता था मैं वो खाती थी, ऐसा कोई प्रॉपर मतलब ये नहीं खाना ऐसा नहीं, जो हेल्दी डाइट होता है वो भी लेती थी। लेकिन फिर दोबारा से मेरा, उसके बाद मेरा जब माही का फर्स्ट बर्थडे था ना, उस वक्त मैं आपको, मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, बहुत पतली थी। फिर धीरे धीरे मेरा थायराइड बढ़ने लगा था, तो उसके लिए मैं बहुत वेट पुट ऑन करने लगी दोबारा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे थायराइड आने लग गया था, तो मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया। फिर उसको थायराइड जब होता है तो आपको वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लकीली मेरा थायराइड के चलते उतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि गला बहुत भारी हो जाता है या फिर बहुत आप वेट पुट ऑन कर ले, तो अभी तक नहीं हुआ है मेरा। ये भी है कि आपको स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, योगा स्ट्रेचेस आपको करना होगा, ये मैं करती हूँ आधा घंटा करती हूँ, उसके चलते मैंने बहुत सारे हैं यूट्यूब पे वीडियोस भी एक दो मैंने किए हैं या फिर डेली व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। एंड मैंने अभी रिसेंटली 15 दिन के अंदर या फिर 20 दिन के अंदर 1.5 किलो मैंने लूज़ किया है। अभी देखो ऐसा भी होता है, कोई बोलते हैं 1 महीने में 10 किलो लूज़ कर लिया, कोई बोलते हैं 15 दिन में 10 किलो लूज़ कर लिया, ये आपके ऊपर होता है आप कितना करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मेरा उतना ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ जितना रहना चाहिए था, मुझे 55 तक आना है, मेरा अभी 4 किलो ज़्यादा था, 59 था, तो मैं 1 किलो कम होकर 58 तक आई हूँ, मुझे 55 तक मुझे जाना है, मुझे मेंटेन करना है। एंड बहुत सालों से मेरा 55 to 59 ही है, उसके ऊपर नहीं गया है, एंड 55 मैंने बहुत सालों से मेंटेन किया था, अभी थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया, उसके नीचे नहीं गया है कभी, उसके नीचे मैं जाना भी नहीं चाहती 55 के, 55 ठीक है उसके, क्योंकि देखो आपको किस बॉडी वेट में आपको काम करने की ताकत मिलती है, जैसे बच्चे होते हैं तो आपको खाना भी बनाना होता है, लॉकडाउन में इतने ज़्यादा आपका काम होता है, बेबी को संभालना होता है, अगर आप एकदम से लिक्विड डाइट में चले जाओगे फिर, या फिर सिर्फ बॉयल खाना खाने लगोगे ना, तो फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी इतना ज़्यादा, तो वैसा ना करके भी आप अपना बॉडी वेट ना थोड़ा सा लूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सब कुछ खाती हूँ, चावल पहले इतना अगर खाती थी, मैं अभी इतना चावल खाती थी, रोटी अगर मैं 2 खाती थी, 1 रोटी अभी खाती हूँ, हाँ उसके 1 घंटे बाद अगर मुझे भूख लगता है, 2 घंटे बाद भूख लगता है, कभी जूस पीती हूँ, कभी कोई पानी पीती हूँ, या फिर कुछ कभी फ्रूट्स खाती हूँ, कुछ ना कुछ खाती हूँ, बादाम काजू सब कुछ खाती हूँ। हाँ मीठा मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा जल्दी आपको वेट लूज़ करना है तो चीनी वाला कोई भी आइटम आपको छोड़ देना है बाद, या फिर अपनी चीनी के डिब्बे को ही छिपा लो घर में, चाय में गुड़ डालो बहुत कुछ अगर आपको इतना ज्यादा है। मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेती हूँ, थोड़ा इतना सा क्योंकि मैं नहीं पी पाती, या फिर बिना चीनी के भी पी लेती हूँ, लेकिन गुड़ वाला मैं नहीं पी पाती, तो अगर आप पी पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना कुछ मीठे के भी पी लो, वो भी बहुत अच्छा है। मीठा आपको कंप्लीट अवॉइड करना पड़ेगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे ना कि आप मोना आप कोई शेयर क्यों नहीं करते हो जो मीठा की रेसिपी, डिजर्ट शेयर नहीं करते, तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्या शेयर करूँ। हाँ अगर आप मेरा अभी का मेरा रूटीन अगर आप पूछोगे तो मेरा यही था मेरा वेट लॉस जर्नी का, कि डिलीवरी में इतना था, उसके बाद मैंने मेंटेन ही किया था
योगा करके एंड प्रॉपर जो भी मैं घर पे बनाती थी, आपको देखते होगे मेरे व्लॉग में, उतना ही था मेरा। अभी मेरा रिसेंटली थोड़ा दो तीन तीन चार महीने में मेरा बढ़ गया दोबारा से, एंड उसको भी मैंने अभी एक 15-20 दिन में एक 1.5 किलो मैंने कम किया है अभी, एंड वो भी खाना बस मेरा कम करके एंड योगा जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया उतना करके। एक और बात, हमेशा ट्राई करना जब भी हम चलते हैं, ये ना मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो हमारा ये जो पेट होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये होता है ना हम लोगों का, ये इसको आपको हमेशा क्या करना है ना, जैसे एकदम ऐसे ऐसे जैसे सिकुड़ के हम लोग रखते हैं, जैसे सिंह को टाइट करके रखते हैं, जे कैसे समझाओ अभी आप लोगों को, बच्चों को जैसे सुसु आती है तो बच्चे कैसे मम्मा करके पेट को ऐसे जकड़ लेती है, फिर हम लोग भी वैसे करते हैं ना उस तरीके से। आई नो थोड़ा गलत साउंड करेगा, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी तो मे बी आप लोग थोड़ा सा फील कर सकते हो उस बात को, तो करो अभी करो, आपको पता चलेगा। ऐसे टाइटली आपके पेट को ना, लोअर एब्डोमिन को ऐसे अंदर को करके कोशिश करो, ये वाला पोर्शन को हमेशा ऐसे टाइट करके आपके पूरा दिन का काम करना, चलना फिरना उठना बैठना यही करो, सोते टाइम ही उसको रिलैक्स करो, आप देखना आपको एक आदत हो जाएगी एंड आपकी बॉडी ना उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगी। हम लोग ऐसे फैल के रह जाते हैं ना, तो उसका भी नतीजा होता है कभी कभी। तो एक छोटा सा टिप था, बहुत लोगों ने पूछा था तो मैंने बता दिया, ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है ये वेट लॉस कैसे कम करेंगे क्या करेंगे, छोटे छोटे टिप्स फॉलो करो तो जरूर आपका भी कम होगा। इंसान गिन के 3 है लेकिन सामान कितना है देखो, इसमें से महेंद्र के 6 जोड़े चप्पल होंगे इसमें से ना, ना आपके 60 या 7 7 बोल रहे हो कि 60 बोल रहे हो, 60 60 हाँ नहीं ये इन्हीं के ही है सारे, मेरे तो कुछ है ही नहीं इसमें, देखो मेरे दिख रहा है कुछ, सिर्फ सूज सूज सूज, ये अपने ढूंढने लगी है इधर, अच्छी बेबी ओके गिव इट टू बाबा। तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, महेंद्र को बहुत बिजी थे तो मैं वेट कर रही थी कब ऑफिस का काम, थोड़ा सा ब्रेक लेके आएंगे तो चाय नाश्ता बनाएंगे हम लोग, तो चाय में चढ़ा दिया है वहाँ पे, एंड यहाँ पे गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, अगर आप चाहे तो बारीक एकदम चॉप कर लीजिएगा। बटर मैंने इतना लिया है उसको मैंने मेल्ट कर लिया है, उसमें मैंने करीब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लहसुन मैंने ऐड किया है, यहाँ पे इतना मैंने जो धनिया मैंने ऐड किया है, अगर आपको धनिया थोड़ा सा कम ऐड करना है ना तो आप थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इतना ऐड करना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे चिली फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच, ओरिगानो मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है। अगर आपके पास ऐसे बॉटल्स नहीं है ना तो पिज़्ज़ा में जो पाउचेस आते हैं वो भी अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस बटर में आपको, सॉरी ब्रेड में आपको जैसे हम बटर यूज़ करते हैं तो ये वाला आपको बटर वहाँ पे यूज़ कर देना है, और उसके बाद तवे में हम लोग बनाते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाता है। तवे में आपको इसको एक लेयर लगा के रख देना है, उसके ऊपर आप, मैंने यहाँ पे चीज़ के क्यूब्स ऐड कर लिए हैं, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है चीज़ स्लाइस भी, तो चीज़ स्लाइस उस तरह के भी है तो वो भी आप बीच में रख के फिर एक और लेयर में ब्रेड का यही वाला बटर लगा के उसको वहाँ पे रख दीजिए, जैसे हम नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं उसी तरीके से। फिर उसके ऊपर के लेयर में यही वाला बटर को थोड़ा सा ऐसे ब्रश कर लीजिए, फिर वो जब नीचे वाला टर्न होगा जैसे हम टोस्ट बनाते हैं ऐसे करके, आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको सेक लेंगे, फिर ऐसे जो पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला बॉटल आता है या फिर डोमिनोज वाले जो पाउचेस भी आते हैं ना उसमें भी आपको पिज़्ज़ा सीजनिंग ईजिली मिल जाएंगे, उसको आपको क्या करना है थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, फिर वही वाला बटर को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि वो सीजनिंग कहीं निकले ना गिरे ना। फिर अभी यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, काफ़ी क्रिस्पी काफ़ी चीज़ी बनता है एंड इसका टेस्ट एकदम जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हम लोगों को, तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही इजी है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हम लोग तो वैसे ऑर्डर करके खाते ही हैं बस घर पे अभी बना रहे हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा एंड अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चाय भी मेरा रेडी हो गया है तो एंजॉय करते हैं नाश्ता, एंड अभी देखो माही को इसको खिलाने के लिए इतना ज़्यादा मेरे को करना पड़ेगा ना, 2 से 10 बार आई थिंक ये घूम लेगी इतना छोटा सा खाने के लिए। तो इसके साथ साथ मैं डिनर बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ है, रोटी सब्जी, तो इसी के लिए मैं आपके साथ डिनर शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी हो रहा है टाइम 8:30 एंड माही का हो गया है डिनर खत्म, चलो माही खेल रही है। ओके मैंने नहीं देखा, वेर इज माइका, अरे कहाँ चली गई, देखो कहाँ चली गई, नहीं यहाँ पे है, अरे नहीं है, कहाँ गई दिख ही नहीं रही है, कहाँ गई दिख ही नहीं रही है, पीकेबू पीकेबू
मिले बेबी। चलो फिर से हाँ माही कहाँ पे छुपी है मैं आपको दिखाती हूँ। ओके आप गेस करो वो कहाँ पे छुप सकती है एंड पॉज करो कमेंट करो। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। वेर इज माही, वेर इज माहिका, वेर इज माहिका। ये क्या है बेबी? चल बाहर आ जाओ, फ्रीज नहीं खोलते खराब हो जाएगा। चलो तो चलिए अभी 10 बज गया है, डिनर सबका हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने बोला सिंपल सी रोटी सब्जी था, इसी के लिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं कुछ। एंड अभी यहाँ पे मैं इसको सिलाऊंगी स्टोरी सुना के। महेंद्र अभी भी काम कर रहे हैं, उनको बहुत काम है आज, तो मैं इसको सिलाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हम लोग। आई होप अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। लाइक करना, शेयर करना। मिलते कल, बाय, टेक केयर।